हरियाणा योग आयोग ते ITBP BTC पंचकूला वालों राष्ट्रीय युवा दिवस के उपराले उत्ते 75 लाख सूर्य नमस्कार करन दा उपराला शुरू किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत राज्यपाल नू गार्ड ऑफ ऑनर दे के की गई। इस प्रोग्राम दे मुख मेहमान हरियाणा राज्य दे राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी रहे। इस तो बाद IG ITBP श्री ईश्वर सिंह दोहन ने राज्यपाल दा इस प्रोग्राम विच आन लई धन्यवाद कीता। अनुशासन से व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व से चरित्र का विकास होता है और चरित्र से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो आइए हम सभी आज इस पावन अवसर पर मिलकर आह्वान करें कि योग जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को हमारे जीवन में जो एक उत्तम स्थान है, न केवल खुद करके अपने परिवार, अपने बच्चों एवं आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, ताकि इस प्राचीन पद्धति को अपने जीवन क्रिया में हम शामिल कर सकें। यह भी प्रमाणिक हो गया है कि योग क्रिया के माध्यम से हम अपने सारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में लाभ अर्जित करते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है सूर्य नमस्कार का, यह 12 आसनों की योग क्रिया है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों को व्यायाम मिलता है और हम रोग मुक्त होते हैं। और इस प्रोग्राम के बाद मैं ये आह्वान करता हूँ कि 21 लाख तो हम ITBP में ही कर लेंगे, इसी प्रांगण में, इस एक महीने के दौरान पे। खुशी है आज हमारे बीच में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर संदीप आर्य जी भी हैं, जिन्होंने 20,000 और 36 घंटे 21 मिनट सूर्य नमस्कार कर दिसंबर 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भूतपूर्व हॉकी वुमेन कैप्टन सबा यहाँ पर उपस्थित है, जो कि पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। ये छत्तीसगढ़ पुलिस में एडिशनल SP है और हमारे पास छत्तीसगढ़ पुलिस की महिलाएं ट्रेनिंग कर रही हैं, उनके प्रशिक्षण करने के लिए आई। मैं विशेष तौर पर धन्यवादी हूं बाकी संस्थाओं का जो इन अभियान में संचालित करने में सहयोग कर रही है, पतंजलि योग समिति, हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, भारतीय योग संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, युवा भारती, जय हिंद मंच, आरोग्य भारती, हार्टफुलनेस, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, गीता परिवार, DAV इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ, हिंदू कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय प्रमुख है, और आसपास के ITBP कैंपस के साथ के 10 गांव के प्रधान और अन्य आम नागरिक भी इस प्रोग्राम में आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन ने सभा को संबोधित करते हुए सबनों योग करने के फायदे दसे। मंचस्थ हमारे पूजनीय आदरणीय सम्माननीय महामहिम राज्यपाल, हरियाणा एक अपने आप में जो आदर्श व्यक्तित्व हैं, एक स्वयंसेवक के नाते अपनी यात्रा आरंभ करके एक लंबा राजनीतिक जीवन व्यतीत करने के बाद एक आदर्श जीवनचर्या निभाने वाले माननीय
दत्तात्रेय जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में हम जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको वंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गौरवमय बना दिया है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की धरा पर योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, भगवत गीता के वो स्वर आज भी गुंजायमान हो रहे हैं। भगवान कृष्ण की इस धरा पर जब हम 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहे हों, उसे आज़ादी का अमृत वर्ष के रूप में मना रहे हों, तो कितनी अच्छी बात होगी कि हरियाणा इस 75वें वर्ष में संपूर्ण विश्व के समक्ष योग और सूर्य नमस्कार प्रस्तुत करे। हमारे घर में जब बर्थडे होता है तो हम एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं। भारत की आज़ादी का बर्थडे मनाया जा रहा हो, 75वां वर्ष मनाया जा रहा हो, और हम रिटर्न गिफ्ट क्या दे सकते हैं? भारतीय ऋषि संस्कृति का वह मूल तत्व योग, यह मुझे लगता है हरियाणा की धरा से गुंजायमान वो भगवद गीता के स्वर, यही आज़ादी के अमृत महोत्सव में सबसे बड़ा गिफ्ट होगा संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण विश्व को। आज माननीय राज्यपाल महोदय, आपके इस आगमन से आईटीबीपी के हमारे सारे हिमवीर, माननीय आईजी साहब के नेतृत्व में, माननीय आईजी ईश्वर दुहन जी के नेतृत्व में हर्षित और पल्लवित, पुष्कित, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। वो आपको अपने बीच में पाकर गौरव का अनुभव करते हैं। ये पूरा प्रांगण आपकी उपस्थिति से चहक रहा है। पुनः आईटीबीपी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हरियाणा योग आयोग परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। आज मुझे ये कहते हुए गौरव है, माननीय हमारे डीसी साहब और डीसीपी पुलिस भी यहाँ उपस्थित है, उनका अभिनंदन करते हुए, कि पंचकूला से लेकर प्रत्येक जिले में महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद की जयंती, जो कि आधुनिक काल के योगी हैं दोनों, उनको समर्पित यह कार्यक्रम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युवा दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हमारे हिमवीर युवा सबसे पहले उपस्थित हैं। क्यों ना हो, 75 लाख सूर्य नमस्कार आज़ादी का अमृत महोत्सव हो और उसकी शुरुआत पैरामिलिट्री फोर्सेस से हो, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने से हो, उन बहादुर सेनानियों को नमन करने से हो जिन्होंने अपने शौर्य, अपनी कर्तव्य निष्ठा के चलते, साहस के चलते राष्ट्रहित में अपने जीवन की सबसे बड़ा सर्वोच्च बलिदान किया हो। यह अवसर है उन सब बलिदानियों को नमन करने का, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, इस नाते मैं समझ सकता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी और हमारे फौज के साथियों ने जिस प्रकार का बलिदान किया है, उनके परिवार का योगदान कितना बड़ा होता है। उन सबको नमन करते हुए, उन सब शहीदों को नमन करते हुए, मातृवंदना और राष्ट्र वंदना को समर्पित इस कार्यक्रम की आज शुरुआत माननीय राज्यपाल करें, इस निवेदन के साथ, इस प्रार्थना के साथ आप सबको नमन करता हूँ। जय भारत, जय भारती, गुरु चरणों में नमन, ओम। सभा विच मौजूद विद्यार्थियों, जवाना ते हिमवीरा ने 108 वारी सूर्य नमस्कार नु करके सबनु दिखाया। सात, आठ,
संस्कृति। दो तीन चार एक बार जोरदार तालियों के साथ योग विभाग, खेल विभाग ते आयुष विभाग नू योगा दे विच दित्ते गए अपनी योगदान वास्ते सम्मानित किया गया। पचहत्तरवीं लाख सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अब आप लोगों का मुझे थोड़ा आश्चर्य भी लगा है। मैं यहाँ पर कोट पहना हूँ और स्वेटर भी पहना हूँ, शर्ट भी पहना हूँ। पहले थोड़ा ठंड महसूस हुआ है, लेकिन आप लोग ये कुछ भी नहीं रहते हुए इतने ठंड में जो सूर्य नमस्कार प्रदर्शन करने के बाद मुझे भी जो है वो ठंड जो है दूर हो गई ऐसा लग रहा है। आप लोग सूर्य नमस्कार करने से आप भागे नहीं, ठंड भाग गई है। इसलिए आपका ये जो है बहुत ही मुझे गौरव का अनुभव हुआ है।
आज इस कार्यक्रम में शामिल सभी जवानों और योग साधकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कल 12 जनवरी को पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं। योगेन चितस्य पदेन वांछा मलम शरीरस्य वैदकेन योपाकरोत्तमं पौरं मुनिना पतंजलि पतंजलि रानस्तोस्तु। अर्थात मन की शांति और पवित्रता के लिए दुनिया को योग दिया है। भाषा की स्पष्टता और शुद्ध के लिए व्याकरण दिया है। स्वास्थ्य को पूर्णता के लिए औषधि दिया है। ऐसे महान भाव ऋषि पतंजलि को हम नमन करेंगे। भाई और बहनों, आज अष्टांग योग की विस्तार से चर्चा महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में मिलती है। उन्होंने अष्टांग योग के 8 सूत्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि दिए गए। अष्टांग योग के आसन में सूर्य नमस्कार की अपनी महत्ता है। इसे सभी योगासनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण अभ्यास है। सूर्य नमस्कार स्त्री पुरुष बाल युवा और वृद्धों सभी के लिए उपयोगी है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हमारे लिए मेडिसिन है, औषध है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है सभी पुलिस बलों के जवानों का इस सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम से मनोबल बढ़ेगा और प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया प्रोग्राम बल मिलेगा। इस प्रकार से योग देश और प्रदेश की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अंत में मैं इतना ही चाहूँगा, योग एक ऐसी अमूल्य औषधि है जो बिना मूल्य आपको स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, आपको शक्तिवर्धक बना सकती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद भी दे सकती है। इसलिए योग के महत्व को जानिए, पहचानिए और जीवन में उसे अपनाइए। मैं इस योग शिविर में भाग लेने वाले सभी योग साधकों को स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। अंत में और एक बात, हमारे ITBP के यहाँ जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस ट्रेनिंग में सूर्य नमस्कार और योगा को भी शामिल करके आपको ट्रेनिंग दिलवाना बहुत ही सराहनीय काम है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है इस कार्यक्रम में इतनी ठंड में जो बैठी हुए उसमें 250 महिला भी शामिल है, उनको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए आज के कार्यक्रम में इतने समय जो है आपको इस ठंड में बिठाकर एक बार एक केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय के छोटे बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय के छोटे बच्चे अच्छा मैंने यहाँ भूल गया था, हमारे केंद्रीय विद्यालय के लड़के और लड़कियाँ भी इसमें शामिल होकर उन्होंने भी इस परीक्षा में पास हो गए। यानी हमारे विद्यार्थी अभी ITBP के स्थायी पे आ गए। ITBP बोले तो बहुत शरीर मजबूत रहने वालों को ही ITBP में लिया जाता है।
अब हमारे विद्यार्थी भी इतने जो है बहुत धैर्यवान होकर इसमें भाग लेना, केंद्रीय विद्यालय को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और आसपास के गाँव से भी कुछ लोगों को इसमें शामिल किया गया है उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनको हमारे पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का हनुमान कहा जाता है और हरियाणा के योग आयोग के आप चेयरमैन हैं आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, उपस्थित सभी योग के विद्यार्थियों के रूप में उपस्थित हमारे हिमवीर, हमारे स्कूलों के कॉलेजों के आए हुए बालक बालिकाएं, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरे को धन्यवाद देना है। धन्यवाद के अतिरिक्त दो शब्द और भी कहने हैं। मैं आधी दुनिया घूम करके आज आपको एक वाक्य बोलना चाहता हूं। पूरे विश्व में एक भी देश, एक भी जगह ऐसी नहीं है आज जहां योग किया ना जाता हो, योग सिखाया ना जाता हो और योग के नाम पे अपनी रोजी रोटी भी कमाई ना जाती हो। सारी दुनिया को रोजगार दे दिया भारत ने, भारत में ही नहीं सारी दुनिया में। योग करेंगे, थोड़ा खाएंगे, उनको हार्ट अटैक बिल्कुल नहीं होगा, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। और जो योग नहीं करेंगे और सुबह से शाम तक पशुओं की तरह खाते ही रहेंगे तो वो फिर बीमारियों का अड्डा बन जाते हैं। और हमारे हिमवीर ITBP का मतलब मेरे हृदय से, इसका हमारे हृदय से रिश्ता है। क्यों? इसमें एक शब्द आता है तिब्बत। तिब्बत हमारे दिल में धड़कता है क्योंकि वो जो कैलाश मानसरोवर था, सृष्टि के आदि में जहां सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ, महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा तिब्बत में सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ, वहां से सारी सृष्टि फैली है। चारों ऋषियों ने हमारे उसी तिब्बत की भूमि पर बैठ करके परमपिता परमेश्वर से साक्षात वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उस ITBP में ये जो तिब्बत शब्द है ये हमारे हृदय की धड़कन है और हमें इस अपनी फोरस पर गर्व है और हमें अभिमान है। जब तक ये हमारे देश में अड़ करके खड़ी हुई है तब तक दुनिया में कोई भी, इस भारत हमारी सेना है, हमारी फोर्सेस, हमारा जो ये रक्षक दल है, इसके ऊपर हमें नहीं पूरे विश्व को गर्व है। क्योंकि UNO में भारत की सेना को जो भी टास्क दिया जाता है वो उसको पूरा करके लौटते हैं कम खर्चे पे और हर प्रकार के किसी भी प्रकार का दुर्घटनाओं में और उरुम में सब में निराकरण करते हुए। हम पुनः एक बार फिर आज महर्षि दयानंद जी महाराज और विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर हम आप सबको बधाई देते हैं और अपने महापुरुषों का इनका धन्यवाद करते हैं।